क्राइम ब्रांच यूनिट एक द्वारा एक बाइक चोरी का मामला उजागर हुआ है, जहां अंतर्राज्यीय वाहन चोर को कड़ी मशक्कत के बाद हिरासत में लिया गया। गौरतलब है कि इस मामले में आरोपी समेत 20 दुपहिया जब्त की गई है। दरअसल अपराध शाखा के यूनिट क्रमांक एक की टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर को कड़ी मशक्कत करके धर दबोचा है। आरोपी को प्रताप नगर पुलिस के सुपुर्द किया गया है। आरोपी शातिर वाहन चोर राहुल सुखदेव ठाकरे, उम्र 37 वर्ष, मूलतः मध्य प्रदेश के बैतूल जिला का पैतृक निवासी है, जो वर्तमान में मिनी माता नगर में रहता है। उसने नागपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र से कई दोपहिया वाहन चोरी कर मध्य प्रदेश में जाकर बिक्री किए हैं। इस बीच बगैर नंबर प्लेट के वाहन पर संदिग्ध स्थिति में घूमते हुए वह अपराध शाखा के यूनिट क्रमांक एक के हाथ लगा है, जहां पूछताछ के दौरान टाल मटोल जवाब देने लगा और उसी दौरान तलाशी में उसके पास से वाहनों की चाबियों का गुच्छा मिला है। इससे पुलिस के संदेह को बल मिला, जिसके बाद पीसीआर में लेकर उससे विस्तृत पूछताछ की गई, जिससे वाहन चोरी के प्रकरणों का खुलासा हुआ है। आरोपी से चोरी के 20 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। इस बीच पीसीआर की अवधि खत्म होने से शुक्रवार को अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के अंतर्गत आने वाले पोल्यूशन जैसे बजाज नगर, सोनेगांव, MIDC, यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से बाइक चोरी की काफी वारदातें बढ़ गई थी। उस हिसाब से हमने पॉकेट फुटेज, सीसीटीवी फुटेज चेक करके जानकारी हासिल की। तब हमको दिखा कि एक आरोपी है जो वहाँ पे लगातार आता है और वो वाहन चोरी करता है। आज हमने फिर से वहाँ पे छापा लगाए, वहाँ पर एक जो फुटेज में चोर था वो वहाँ पर आया, उसको हमने ताबे में लिए और उससे पूछताछ की है। तब उसने कबूल किया कि उसने काफी जगह से वाहन चोरी की है। उसको और हमने और पूछताछ किया, तब हमको मालूम चला कि उसने नागपुर शहर के प्रताप नगर, कैमेश्वर, नंदनवन, यशोधरा, MIDC, वाठोड़ा, लकड़गढ़ और हुड़केश्वर इन थानों से तथा ग्रामीण से नरखेड़ और अमरावती से वरुड़, यहाँ से उसने वाहन चोरी की है। कुल 20 मोटरसाइकिल लगभग कीमत 12,00,000 की हमने उसके से जब्त की है। आरोपी राहुल ठाकरे है, प्रॉपर बैतूल मध्य प्रदेश का है, लेकिन कुछ साल से यह यशोधरा सॉरी कलमना पोल्यूशन के अंतर्गत में मिनी माता नगर, यहाँ पे वो किराए से रहता है। उसके पहले पार्डी में भी उसके खिलाफ एक ट्रक चोरी का गुनाह दाखिल है। फिलहाल उससे हमने पूछताछ की है तो उसने कर्जबाजारी होने के कारण वो चोरियां कर रहा है ऐसा उसने कहा है, लेकिन वो उसे और तपास चालू है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।